हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, मैं हूँ रमेश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डबल ई रमेश कुमार। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये टेंशन का डिजिटल थर्मामीटर है और आज मैं आपको इसी वीडियो में ये थर्मामीटर में जितने सारा पैरामीटर है, पैरामीटर किस तरह सेटिंग करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इस वीडियो में बताऊँगा। और उसके साथ साथ ये जो डिजिटल थर्मामीटर में कितने सारे फीचर्स दी गई है और मैं आपको मैनुअल के साथ इसी वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा डिजिटल थर्मामीटर है जो कि आरटीडी और जो कि थर्मोकपल के लिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास 4 वायर आरटीडी है और उसके लिए देखिए इसके साथ एक जो कि यूएसबी केबल टाइप का एक जो कि पोर्ट दी होती है और उसमें देखिए 4 क्लिप इसमें लगा हुआ है। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये एस टाइप का थर्मोकपल है और इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा जान कि ये जो हमारा डिजिटल थर्मामीटर है इसमें किस तरह जो कि 2 वायर, 3 वायर और जो कि 4 वायर आरटीडी होता है किस तरह इसमें कॉन्फ़िगरेशन जान कि कनेक्शन करते हैं और उसके साथ साथ थर्मोकपल किस तरह कनेक्शन करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा टेंशन का देखिए 08 जो कि थर्मामीटर है और ये थर्मामीटर के बारे में आपको पूरा डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये जनरल, देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन और ये जो वारंटी कार्ड इसके साथ आता है। और देखिए ये जो आप देख रहे हो, देखिए इंस्ट्रक्शन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में देखिए जो कि थर्मोकपल, देखिए थर्मोकपल इसमें यानी कि ये थर्मामीटर में जितने सारे थर्मोकपल सेट होता है यानी कि कॉन्फ़िगरेशन हो पाएगा यानी कि आप मेजर कर सकते हो। इसमें देखिए कितने सारे थर्मोकपल जो जो इसमें दी गई है, देखिए आप इसमें सारे के सारे थर्मोकपल इसमें लगा सकते हैं। और पीटी के लिए देखिए जो कि पीटी 100 और जो कि आरटीडी होता है इसमें देखिए पीटी 100, पीटी देखिए 10 और पीटी 1000, पीटी 50, पीटी 200, पीटी 500 ये सब इसमें सपोर्ट करता है। और इसमें देखिए यूनिट में देखिए जो आता है डिग्री और फारेनहाइट, देखिए फ्रेंड जो कि डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट में आता है, 2 यूनिट इसमें है। और इसमें रिजोल्यूशन देखिए फ्रेंड, सबसे बढ़िया बात है इसमें जो कि रिजोल्यूशन, और रिजोल्यूशन जो है देखिए फ्रेंड जो कि 0.01 डिग्री सेल्सियस। और देखिए फ्रेंड्स, उसके अलावा ये थर्मामीटर और भी देखिए जो कि एक्यूरेसी 0.1% ऑफ फुल स्केल। और इसमें देखिए चैनल जो है देखिए फ्रेंड जो कि टेम्पेंट का देखिए 0802 का देखिए जो कि 1 TC और 1 RTD आप लगा सकते हो एक साथ में। और देखिए फ्रेंड, और इसमें देखिए 2 TC यानी कि 2 थर्मोकपल और 2 RTD भी इसमें लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए, और इसमें देखिए मैं आपको आगे पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और उसमें देखिए इसमें जो कि बैटरी जो सेल इसमें यूज होता है 1.5 वोल्ट की जो कि AAA बैटरी 4 सेल इसमें लगाया जाता है। और देखिए इसमें और भी बहुत सारा देखिए एक्यूरेसी देखिए जो कि आरटीडी और जो कि थर्मोकपल के रेंज के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कितने रेंज में कितना एक्यूरेसी ये जो हमारा टेंशन का देखिए जो कि ये थर्मामीटर है थर्मामीटर में आता है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा इसका जो कि हायर वर्सन इसमें जो आता है ये जो कि 08 मॉडल है और इससे जो कि बेटर एक्यूरेसी में जो आता है 09 का मॉडल है। अगर आपको ये जो आरटीडी और थर्मोकपल की जो कि थर्मामीटर चाहिए या फिर ये थर्मामीटर आप परचेस करना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन देखिए जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मेनू पैरामीटर देखिए फ्रेंड जो कि TC देखिए जो कि TC1, RTD1 और इसमें देखिए PT100, इसमें देखिए बहुत सारे PT100 यानी कि RTD जितने टाइप का RTD होता है ये सारे सपोर्ट करता है और जितने टाइप का जो कि थर्मोकपल होता है ये भी सपोर्ट करता है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा इसमें देखिए जो कि बहुत सारा पैरामीटर है, पैरामीटर किस तरह सेटिंग करते हैं मैं आपको ये मेनू दिखाने के बाद इसमें मैं आपको पूरा डिटेल सेटिंग करके दिखाऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑटो ऑन ऑफ भी है और इसमें देखिए यूनिटी है, एवरेज भी है, एवरेज निकाल सकते हो। और चलिए फ्रेंड्स, अभी देखिए ये जो हमारा जो कि डिजिटल थर्मामीटर है थर्मामीटर में अभी मैं आपको पूरा पैरामीटर सेट करके दिखाऊंगा। और उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैनुअल बैक साइड में देखिए और भी बहुत सारे देखिए इसमें फीचर्स दी गई है। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये पावर बटन है, पावर बटन में क्या क्या इसमें ऑप्शन दी गई है आप ये सब पढ़ के आप पता कर सकते हैं। और इसमें देखिए फ्रेंड्स जो कि ऑफ की देखिए अप डाउन की है और अप डाउन की का क्या फंक्शन है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा जो कि हमारा थर्मोकपल में देखिए, थर्मोकपल में जो कि 01 जो कि रिजोल्यूशन होता है और RTD में भी 01 रिजोल्यूशन यानी कि ये जो थर्मोमीटर में 2 रिजोल्यूशन सेम होता है यानी कि RTD और थर्मोकपल के लिए जो कि रिजोल्यूशन है ये बिल्कुल सेम ही है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 पोर्ट है, जैसे मैंने आपको बता रहा था ये वाला पोर्ट जो है RTD और ये जो कि थर्मोकपल के लिए है। और देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो आप देख रहे हो पोर्ट ये जो RTD के लिए है और ये थर्मोकपल के लिए है। और मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा इस वीडियो में पूरा डिटेल्स। और देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें दी गई है और अभी मैं आपको पूरा इसमें पैरामीटर सेट करके दिखाऊंगा। जैसे ही देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जो कि बता रहा था इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। देखिए ये जो TC1 है देखिए फ्रेंड्स,
देखिए ये जो TC1, देखिए यहाँ पर जो कि TC1 इसमें लिखी गई है, देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें TC1 है। और इसी तरह देखिए फ्रेंड टाइप, देखिए इसमें आ रहा है टाइप S, जो कि थर्मोकपल के लिए सेट हुआ है इसलिए S इसमें आ रहा है, देखिए। और अभी मैं आपको देखिए ये जो चैनल बटन अगर प्रेस करूँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, देखिए फ्रेंड्स। अभी ये जो बटन है ये लाइट के लिए है, और ये चैनल बटन देखिए फ्रेंड्स, चैनल बटन जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो ये जो TC के जगह RTD आ जाएगा, देखिए देखिए RTD1 इसमें आ रहा है। और RTD1 के लिए मैं आपको देखिए देता हूँ, देखिए, और दोबारा प्रेस करने पर देखिए RTD और जो कि थर्मोकपुल जो कि एक साथ में ये टेम्परेचर शो करेगा। और इसमें इस तरह और भी बहुत सारे फंक्शन इसमें दी गई है। और सबसे पहले चले ये जो फंक्शन बटन में प्रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स। जैसे ये फंक्शन बटन प्रेस करता हूँ तो इसमें देखिए TCS यानी कि थर्मोकपल S टाइप का है, और ये R टाइप का है, और ये जो अप डाउन की आप देख रहे हो, अप डाउन की आप प्रेस करके इसका जो कि टाइप्स आप चेंज कर सकते हो, देखिए फ्रेंड्स। और दोबारा इसे देखिए जो कि CJCINT, और इसका मीनिंग देखिए फ्रेंड जो कि CJN के लिए, देखिए फ्रेंड्स इंटरफेस के लिए जो कि थर्मोकपल दी गई है। और इसी तरह दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, और देखिए दोबारा फंक्शन में जाता हूँ, और देखिए जैसे मैंने आपको बता रहा था ये जो अप डाउन की जो है ये हमारा थर्मोकपल की सेटिंग के लिए है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा ये जो RTD के लिए भी किस तरह सेटिंग होता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और देखिए CJC, और ये देखिए थर्मोकपल, देखिए जो कि ऑफसेट के लिए है, और ये दोबारा हमारा जो कि थर्मोकपल पे आ गया है, आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा वापस ये जो कि मेन मेनू में आ गया है। और इसी तरह चले फ्रेंड्स, अभी मैं आपको और भी फंक्शन करके दिखाता हूँ, देखिए जैसे ही मैं ये जो ऑटो ऑफ इसमें आ रहा है, देखिए फ्रेंड जो कि 0 मिनट के लिए आप इसे देखिए ऑटो ऑन ऑफ के लिए इसमें आप सेट कर सकते हो, यानी कि कितने मिनट के अंदर आपका ये जो थर्मोमीटर जो है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, देखिए। और उसके लिए जैसे मैंने आपको बता रहा था, जैसे फंक्शन बटन जो है फंक्शन बटन को एक बार में प्रेस कर रहा था, और फंक्शन बटन को आपको जो कि 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होगा तभी ये जो फंक्शन इसमें पैरामीटर आप एंटर कर सकते हो। और इसमें देखिए BL ऑफ यानी कि ब्लो ऑफ जो होता है ये हमारा जो कि डिस्प्ले में कितना मिनट तक इसमें जो कि लाइट आप चाहते हो जो कॉन्स्टेंट जले रहे, और ये जो ब्लो ऑफ के लिए है। और ये यूनिट आप देख रहे हो, यूनिट देखिए फ्रेंड्स इसमें जो कि फारेनहाइट और देखिए जो कि सेल्सियस इसमें 2 यूनिट दी गई है। और देखिए फ्रेंड्स ये जो एवरेज जो कि 15 यानी कि 15 का जो कि डाटा है, हम 15 डाटा तक हम ले सकते हैं। और देखिए ये जो हमारा थर्मोमीटर अभी मेन मेनू में आ चुका है। और चलिए अभी ये जो फंक्शन की का मैं आपको 2 फंक्शन दिखाता हूँ, देखिए जैसे मैं एक बार प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारा जो कि थर्मोकपल सिलेक्शन करने के लिए इसमें आ रहा है। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स मैं आपको देखिए दोबारा वापस मैं मेन मेनू में आ चुका हूँ, और अभी जैसे ही मैं ये जो फंक्शन की को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखता हूँ तो ये जो हमारा ऑटो देखिए ऑटो फंक्शन ऑटो ऑन अप और एवरेज और ये जो ब्लो अप का फंक्शन इसमें आ रहा है। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स ये जो चैनल पे देखिए अगर हम RTD के लिए सेट करना चाहेंगे तो RTD में देखिए फ्रेंड जो कि RTD1 इसमें आ रहा है, और इसमें देखिए टाइप RTD किस टाइप का है इसमें आ रहा है, नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है। और अभी देखिए फ्रेंड्स अभी RTD का पैरामीटर हम यानी कि चेक करेंगे, और RTD के पैरामीटर चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड्स दोबारा चलिए अभी देखिए अभी इसमें जो कि RTD1 आ रहा है जैसे मैंने आपको दिखा रहा था, इसमें देखिए बहुत सारे RTD टाइप है, आप ये RTD टाइप किस तरह जो कि चेंज करते हैं अभी मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। और उसके लिए देखिए फ्रेंड्स जो कि हमारा फंक्शन की है, देखिए ये देखिए RTD TC यानी कि 2 मेजरमेंट के लिए इसमें शो करा है। और अभी देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको दिखा रहा था ये जो TC1 है, और TC1 अगर आप सेट करना चाहते हो तो TC1 के पैरामीटर इसमें होना चाहिए। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स ये RTD1 है, RTD1 का पैरामीटर अभी हम सेट करेंगे। और उसके लिए देखिए फ्रेंड्स अभी इसे जो कि PT100 आ रहा है, और इसी तरह जैसे मैंने आपको थर्मोकपल में बता रहा था जो कि एरो बॉटम है, एरो बॉटम अप डाउन करके 2 एरो बॉटम को अप डाउन करके आपका जो कि RTD किस टाइप का है आप इसे सेट कर सकते हो। और देखिए अभी इसका जो कि फंक्शन देखिए दोबारा इसे मैं जैसे प्रेस करता हूँ तो देखिए जो 3 OR 4 OR और 2 OR देखिए फ्रेंड्स आपका RTD जितने OR का है आप इसे सिलेक्शन कर सकते हैं 2 OR 3 OR और जो कि 4 OR तक। और देखिए दोबारा देखिए ये जो कि R1 ऑफसेट है, और इसी तरह चलिए दोबारा मैं प्रेस करता हूँ हमारा जो कि RTD देखिए मेन मेनू में आ चुका है। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स इसी तरह जो कि RTD थर्मोकपल के पैरामीटर सेट करते हैं। और देखिए ये जो थर्मोकपल के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो कि सेंसर लगा के टेस्ट कर रखा हूँ, यानी कि किस तरह इसमें सेंसर कनेक्शन करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह हमें जो
RTT में लगाते हैं। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटेशन और कैलिब्रेशन की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोग वो लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो देखिए। और इसी तरह मेरा चैनल पर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। आप लोग मेरा चैनल एक बार विजिट करके उस वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।